मेरे टीम के 4 बंदे आगे निकल चुके हैं ऑलरेडी। सो गाइज वी हैव जस्ट रीच समिति लेक। सो गाइज दिस इज समिति लेक फाइनली। क्या वो लास्ट जो अपना चढ़ाई था ना मेरी फट गई थी पूरा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस ट्रैक का खर्चा कितना आता है। So it's time to say bye to beautiful Gochala Pass. Bye Mount Kanchenjunga. Bye Kabru. Bye Pandim. We'll see you later. Thank you. मज़ा आ गया। अभी मुझे यहाँ से नीचे जाना है। To be very careful. So I'll just switch off my camera क्योंकि उस समय मैं यहीं पर गिरा था और दोबारा नहीं गिरना है मुझे। अच्छा लग रहा है, अब धूप निकल चुकी है, काफ़ी सही फीलिंग आ रहा है। वाव, ओ भाई ये धूप की कितनी ज़रूरत थी यार। अभी जस्ट मैं ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर में नीचे आ गया हूँ व्यू पॉइंट से गोचेला का। अभी मैं उस तरफ व्लॉग नहीं कर रहा था क्योंकि मैं ऑलरेडी मैंने शो जो किया था थोड़े पहले जो वो वैली टाइप को बना हुआ था स्लोप में, वहाँ पे कैमरा मैंने डाल दिया था अंदर बिकॉज बहुत रिस्की है वहाँ पे, बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं स्नो में, लोग स्लिप होके सारे नीचे चले जाते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। तो एक दो इंसिडेंट हो रखे थे तो मैंने सोचा कि क्यों मैं पंगे लूँ, और स्नो जो है वो आइस में कन्वर्ट हो गया था फुटस्टेप की वजह से, तो इसके वजह से फिर वो बहुत स्लिपरी हो गया था। अभी नीचे आ गया हूँ और ये स्नो देखो यार, पार्क सुपर ब्राइट। तो स्मृति लेक अब यहाँ से 15-20 मिनट्स है एंड उसके बाद हम लोग फिर थानसिंग पहुँचेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है इस धूप में, वेरी नाइस। अभी हमारे ग्रुप के बंदे आगे हैं वहाँ पे, कुछ तो कर रहे हैं, पता करता हूँ क्या कर रहे हैं। भूख भी लगी हुई है, पानी भी पीना है। और वो रहा स्मृति लेक नीचे। आई विल टेक अ ब्रेक थोड़ा सा। मैंने कुछ फोटोज निकाले हैं अभी यहाँ ऊपर इस तरफ स्मृति लेक का, अगर वो देखना है तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू विल फाइंड ऑल दोज गुड ब्यूटीफुल पिक्चर्स। और मैं इचिंग और मोनिका पीछे हैं और धूप काफ़ी ब्राइट है, हद से ज़्यादा ब्राइट है मैन। बड़ा मज़ा आया यार, मैं जब ऊपर पहुंचा ना इट वाज लाइक ब्रेथ टेकिंग, आई वाज जस्ट स्पीचलेस कि क्या बताऊं, मतलब हैड नो वर्ड्स। तो मैंने क्या किया, टाइम लैप्स के लिए कैमरे को छोड़ दिया एंड देन आई वाज जस्ट यू नो एंजॉयिंग द ब्यूटी, माउंट कंचनजंगा, माउंट पंडिम, माउंट कब्रू, तेंजिंगथांग, ऑल दिस माउंटेंस मैं इंजॉय कर रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड ठंड भी बहुत ज़्यादा थी तो मैं ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कर पाया वहाँ पे क्योंकि उंगलियाँ एकदम जम चुकी थी। अभी तो अच्छा फील हो रहा है बिकॉज धूप निकल चुकी है। यहाँ से और 2-3 घंटा लगेगा तो रीच थानसिंग, देखता हूँ। अभी रात को तो अंधेरे में आया था तो आई कुडंट सी, लामुने भी नहीं देख पाया अच्छे से, तो वो सारा मैं दिखा देता हूँ। एंड या और ये देखो वंडरलैंड बन रखा है पूरा, स्नो वाइट लाइक नेक्स्ट लेवल शिट। मैंने ज़िंदगी में इतना स्नो नहीं देखा था, इतना स्नो में मैंने कभी चला नहीं था। दिस इज़ लाइक धूप निकली हुई है बट माइंड यू ठंड बहुत है, इट्स नॉट लाइक कि धूप है तो गर्मी है। अभी टेम्परेचर 1 और 5 के बीच में होगा कहीं, और सुबह में ऑलमोस्ट -10-15 टेम्परेचर था। वो रहा समिति लेक।
गाइज ऑलमोस्ट समिति लेक पहुंच गए हैं। अभी मेरे राइट हैंड साइड में जो रिवर है प्रेक्चू रिवर, वो सीधा यहाँ से समिति लेक पे जाके स्टोर होता है, फिर वहाँ से फिर नीचे की तरफ पानी आती है और लेक बहुत ही खूबसूरत है, लाइक एमरल्ड ग्रीन। सो गाइज वी हैव जस्ट रीच समिति लेक, यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो आगे जाके देखते हैं कि कितना अच्छा वीडियो एंड फोटो निकल सकता है। तो कम सो गाइज दिस इज समिति लेक फाइनली, सो ब्यूटिफुल मैन, बहुत खूबसूरत है। मैंने कुछ पिक्चर्स निकाले, आई होप आपको यहाँ के शॉट्स अच्छे लगे। एंड लुक एट द रिफ्लेक्शन ऑफ माउंट पंडिम ऑन दिस, लुक एट इट, दैट्स माउंट पंडिम एंड उसका रिफ्लेक्शन। Beautiful, beautiful Samiti Lake. Wow. तो guys कैसा लगा Samiti Lake? काफ़ी mesmerizing था, मज़ा आ गया, बहुत सारे photos निकाले मैंने। I hope आप लोगों को भी अच्छा लगा हो Samiti Lake, बड़ा high altitude lake है वैसे किम में, स्नो की वजह से काफ़ी ब्राइट हो गया माहौल एंड धूप की वजह से काफ़ी वो हो रहा है, बर्न हो रहा है चेहरा। कैप लेके आना मैं भूल गया, टेंट में छोड़ दिया मैंने कैप, दो दो कैप पड़े हुए हैं। Very nice, loved it. My first ever trek with this. So, yeah, वो last जो अपना चढ़ाई था ना मेरी फट गई थी पूरा. Yeah. So update time, guys. अभी मैं लामुने पहुंच गया हूँ. ये वही जगह है सुबह जहाँ पे हम लोगों ने halt किया था. अभी मैं mafia look इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है. और I can't expose myself in the sun because of UV. तो ये रहा थोड़ा सा लामुने और यहीं कहीं पर टेंट लगते हैं और इस बार शायद इस मतलब पिछले दो दिन से यहाँ से यहाँ पे कोई रुका नहीं है, तो दिस इज़ नथिंग। सो यू गाइस गोना वेट हियर और स्टॉप, और इसके बाद थानसिंग है। सो थानसिंग यहाँ से और एक घंटा, थानसिंग कितने दे, थानसिंग एक घंटा ही तो मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी कुछ जाना है, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक। अभी 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 लग रहा है कि समर है, इमेजिन करो स्नो में हाई ऑल्टीट्यूड और धूप, मतलब अलग अलग किस्म का मैंने वेदर यहाँ पे एक्सपीरियंस कर लिया यार पिछले 7-8 दिनों में, इट्स क्रेजी, इट्स वेरी हॉट। तो इसलिए मैंने सारे अपने लेयर्स वगैरह सारे निकाल दिए, 5 लेयर्स मैंने पहने थे, बहुत ठंड था सुबह, उस 5 लेयर में भी ठंड लग रहा था। अभी अंदर से 2 लेयर मैंने पहना है, एक ड्राई फिट पहना हुआ है और एक ये विंड चीटर पहना हुआ है, दैट्स इट। हाँ, ये रास्ता मुझे फॉलो करते हुए पैरों के निशान मुझे थानसिंग पहुंचना है, तो यही है, अभी पैरों के निशान मैं फॉलो करते हुए चले जाऊंगा। तो यहाँ पे
गुम होने का या रास्ता भटकने का ऐसा कोई चक्कर नहीं है बिकॉज फुटमार्क्स बने हुए हैं। और एक घंटा यहाँ से फिर वहाँ पर रेस्ट, नाश्ता एंड देन ऑन द वे टू कोक्चुरंग। तो आज हम लोग कोक्चुरंग में रहेंगे जहाँ पे मैंने लंच किया था दो दिन पहले। तो काफ़ी ड्रेन हो चुका हूँ मैं और पानी भी थोड़ी बहुत ही बची हुई है और हाइड्रेट करते रहना पड़ेगा मुझे। इस ऑल्टीट्यूड में धूप में काफ़ी ड्रेन हो रहा हूँ मैं। अच्छा लग रहा है अकेले यहाँ पे, कोई नहीं है देखो। और बाय द वे दैट्स माउंट पंडिम जो मैं काफ़ी टाइम से देखने की चाह में था, बट अभी दिख रही है, वेदर क्लियर है, देखो स्पॉटलेस स्काई। आई थिंक वो कंचनजंगा है, यस दैट्स कंचनजंगा, क्योंकि सुबह तो समझ में नहीं आ रहा था, अभी समझ में आ रहा है बिकॉज इट्स वेरी पॉइंटेड। सो दैट्स माउंट कंचनजंगा, हम लोग अभी वहीं से जाके आए हैं बेस से माउंट कंचनजंगा के, और यहाँ पे पंडिम। So you are heading to somewhere else or in Tanzing you are going to stay? Kokshurang. Even we are going to Kokshurang. Yeah. We'll take a couple of hour rest, food and then we'll yeah, head. Yeah, lunch and then. Yeah, cool, cool. We are just about to reach right, our campsite. So yeah. You're from? Kerala. Kerala. Name? Raman. Raman. Yeah. Nice meeting. I didn't ask your name in past 2-3 days, man. You are? Ashish. मेरे आगे चल रहे हैं एडवेंचर पल्स के सीईओ समीर भाई साहब। वी रीच ऑलमोस्ट राइट कैंप साइट, पहुंच गए 10-15 मिनट्स, सही है, नॉट बैड। फ्रॉम अ ट्रैकिंग पर्सपेक्टिव आई वुड से इट्स अ नाइस चैलेंज, इट्स अ डिसेंट चैलेंज, नॉट इजी, नॉट इजी एट ऑल। Goichala, especially this push from Thansing all the way up to Goichala view point, it's I definitely say that it's a decently tough push of sorts, and considering we had so much of snow also, exactly, it made it that much more challenging, especially on the way down. Seriously, but it's good. It gives trekkers a good experience of what it's like to climb a mountain. Absolutely, and it's all about willpower. If you have that in you, then I'm sure you can do it. You need to be a little prepared also, you know, mentally that you're gonna face this kind of a terrain and you know weather on the way up there. But it's completely like totally worth coming yeah, so far. Yeah, it's such a beautiful view. It is, like I loved it. I was like speechless, you know, the moment I reached there. So I thought I'll just keep it for a timeline and just sink in. It was so beautiful. Bus or 10 minute and then we are home for now. So finally मैं पहुंच गया हूं अपने कैंप साइट थानसिंग में। हो क्या दिन था यार मैन, ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर के आसपास हम लोगों ने हाइक किया है रात के 12 बजे से। इट्स लाइक कंप्लीट इनसेन थिंग व्हिच वी हैव डन। और लुक एट दिस प्लेस अगेन, इट लुक्स ब्यूटीफुल कल की तरह ही। Before that, tell me how's your experience? First, yeah, super man. What a treacherous trek, hai na? It was amazing, man. I think even the final destination was awesome, but the trek also
all the way till now, all what you've done today. That was amazing. Going in the snow, in the night, in the darkness with flashlights, and then coming back and the sudden bright sunlight is there and there's snow all over. I've never seen so much snow and so much sun at the same time. And feeling hot and cold at the same time also. So it was awesome. Absolutely awesome. Even coming back half the way was beautiful, but my energy levels went down, and after that everything went down the drain. Then I stopped and had an energy bar, and then it shot up. So awesome. I am trying to figure out myself also, because I love to do treks, and I need to figure out what needs to be done to with me, with myself, in order to keep going. What a beautiful day, man. मेरे को अभी भरोसा नहीं हो रहा है कि मैंने क्या किया अपने ज़िंदगी में ऐसा. It's like amazing, man. Amazing, amazing, amazing. नौ दिन का ट्रैक है ये. अभी वापस जाना है, दो दिन और लगेगा. सात दिन आज लेकर सात दिन है, सातवां दिन है. और ये सात दिन मतलब बहुत डिफरेंट थे. सात दिन में अलग अलग यू नो लैंडस्केप टेरेन मैंने एक्सपीरियंस किए. क्या नहीं किया, गर्मी से लेके ठंडी से लेके स्नो से लेके बारिश से लेके मतलब एवरीथिंग. मैन दिस इज़ लाइक आई एम जस्ट आउट ऑफ वर्ड्स राइट नाउ. आई थिंक मुझे ये और करना चाहिए लाइफ में, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच आई लाइक एक्चुअली. यू नो मैं कभी ट्रैक नहीं किया था ज़िंदगी में, बट ये करने के बाद गोचला इज़ नॉट अ ईजी ट्रैक, नॉट एट ऑल. अभी मैं बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल नहीं है, बट वो विल पार था, मैंने कर दिया, मज़ा आ गया, डन एंड डस्टेड. इट्स लाइक सुपर फन. तो अब फ्यूचर में इससे भी बड़े बड़े और अच्छे अच्छे ट्रैक्स करने वाला हूँ मैं, थोड़े और चैलेंजेस लेने वाला हूँ मैं. सो इट्स गोना बी फन. आई एम श्योर आप लोगों को भी अच्छा लगेगा. एंड डू सपोर्ट मी. अभी तक यहाँ तक देख लिए हो तो आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगा होगा पूरा सीरीज़ गोचला का. एंड आई डोंट थिंक कि इतना डिटेल्स में किसी ने गोचला का सीरीज़ बनाया होगा. अगर आपने देख लिया है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल. कमेंट करो कैसा आपको फील हुआ पूरा एंटायर सीरीज़, कैसा लगा आपको, मतलब व्हाटएवर यू कैन कमेंट एंड आई रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स. लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिसको गोचला पर आना है लाइफ में कभी. एंड दिस इज़ इन अप्रैल, एंड अप्रैल इज़ ब्यूटीफुल, रोडोडेंड्रन, स्नो एंड एवरीथिंग. सो या दैट्स अबाउट इट. अब इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, इस सीरीज़ को मैं यहीं पर एंड करता हूँ. अभी नेक्स्ट सीरीज़ फिर से इनक्रेडिबल और बहुत अच्छा होने वाला है. पता नहीं कहाँ जाऊँगा, क्या आपको देखने को मिलेगा, बट कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा. तो विद दैट नोट मैं इस व्लॉग को भी एंड करता हूँ यहाँ थानसिंग में, एंड यू नो इन फ्रंट ऑफ पंडिम एंड थानसिंग थांग. आई एम सॉरी, मैं हमेशा भूल जाता हूँ. तेंजिंग थांग एंड पंडिम, और उस तरफ जो दिख रहा है ना ये वाला, जो दो तीन से नहीं दिख रहा था, ये कंचनजंगा है. तो यहाँ पे मैं व्लॉग एंड करता हूँ. सो या इट वॉज अमेजिंग, जस्ट लव्ड इट द एंटायर जर्नी. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में. अंटिल देन लव योरसेल्फ एंड कीप हॉपिंग. वेट, डोंट फॉरगेट टू वॉच पोस्ट क्रेडिट. बाय. So, Kimi, please tell us something about your experience. Kaisa laga? Awesome, man. I met some awesome people. All right. And I came here because of my friend here, my buddy here. Captain. Yeah. And I think it was totally worth it. And it's just bonded with me, with you know, with so many people. And it's been great, yeah. How about me? Awesome. Yeah? Cooker mein banaya. Thank you so much, man. It's been awesome. You're welcome, man. Just don't bite my head off. Think about it. Ladies, do you have anything to say? Listen, we have to time to cut the cake. Ye nahi ki keep talking and we forget about this. This is the most wonderful trek I ever had with such wonderful set of people. Yes. Right back at you, right back at you. All of you. Thank you so much. Enjoyed the trek. Really? Awesome. Hey. Only your face. My vlog is taken over by KB. मैं पूछना चाहता हूँ, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस विद अस, एंड
what were you expecting when you joined the group and you said these guys are going to be really boring? I know how it works, right? Because the first 2 days is like, you know, icebreaker, and it takes time to know people. You know? Of course. And then, you know, the second day, I think the first day of the trek, you know, I started, you know, gelling up with everybody. Yeah. And then it was a good fun, and it's like amazing, I mean. थैंक यू सो मच। और एक और चीज, एक तो पूना भाई अपने किचन में हम सबको इतना टाइम इनवाइट किया, बिठाया वहाँ पे, कभी जो भी मांगा, कभी खाना चाहिए जल्दी, कभी टेस्टिंग के लिए कुछ चाहिए वो भी मिल गया। सबने इतना अच्छा ख्याल रखा हमारे, हमारे कोई भी रिक्वेस्ट का, मेरा मतलब खाने का भी बिना प्याज वाला रिक्वेस्ट, हाँ कोई भी ख्वाहिश मतलब पूरी कर दी। बट थैंक यू ऑल सो मच गाइस, रियली लव्ड इट, थैंक्स। बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब बहुत, अभी वो वर्ड्स ही नहीं है, लफ्ज ही नहीं है आप लोगों को बोलने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत सपोर्ट किया। एंड थैंक यू सैम फॉर चूजिंग देम। थैंक यू। आई डोंट नो व्हेदर यू नो, एंड आई डोंट नो व्हेदर इट्स बी शेयर्ड, बट पुंगी दाई, ही वाज स्मॉल एट द एज ऑफ 16 17 Thank you so much.